मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। तो आज भाई गोवा में गुड मॉर्निंग हो चुकी है भाई। हमने लिया है यहाँ पे सेंटोस विला। गाइस आ गए हैं बाहर और देखो भाई इस टाइप से विलाज है यहाँ पे हमारा। ये था 12 नंबर। चलो भाई ब्रेकफास्ट करने चलते हैं और आपको दिखाते हैं कहाँ पे ब्रेकफास्ट हो रहा है। गाइस हमने ये गाड़ी ली थी, ये है गाड़ी, रेंट पे ली थी भाई। है गाइस डाइनिंग एरिया में आ चुके हैं। तो आप बूफे लगा हुआ है भाई, आपको व्यू दिखाता हूँ। देखो भाई तो गाइज खाना खा लिया था और यहाँ पे हम आ गए थे। मम्मी और भाई चल रहे हैं आगे आगे। यहाँ पे देखो ये गार्डन एरिया बना हुआ है, मतलब नॉर्मल जैसे टहलना वहलना है किसी को तो यहाँ जाएगा। और बाकी अपना वहाँ पे ये अपना ऊपर आप देख रहोगे उस साइड आपका वो था खाने का डाइनिंग एरिया, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह। और ये देखो भाई पूल, इसमें भी अभी चलेंगे, इसमें भी आते हैं अभी थोड़ी देर में, बस 5-10 मिनट में फिर आपको दिखाते हैं। ये फाउंटेन में लगा भाई, देखो यहाँ से एंट्री है स्कूल की। बाकी ये तो आपको दिखाई दिया था, मैंने ये गाड़ी ली थी हमने, पूरा यहाँ से ये फाउंटेन है। रात को मतलब रात को चल रहा था, अभी चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों, साफ हो रहा है शायद इसलिए। और बाकी इस साइड भी छोटा सा एरिया है रोमिंग एरिया, बाकी आपको ऊपर जाके दिखाऊँ तो ये देखो भाई। छोटा ही है। तो भाई अब जा रहे हैं स्विमिंग करने। अब तू जा भाई, पहले ठंडा हो रहा है अभी पानी। तो गाइस आ गए हैं अब रूम में और स्विमिंग विमिंग करके अपना ब्रेकफास्ट करके, और अब चलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं। चलो रेडी हो जाते हैं और चलते हैं। हो गया हम रेडी और चल रहे हैं अब। चल रहे हैं अब खाते हैं, खाता जाता है और क्या क्या करते हैं। तो गाइज अब हम जा रहे हैं हाउस ऑफ म्यूजियम, तो अभी रास्ते में है और फिर वहाँ से हम जाएंगे अपना होटल में चेक इन करने और फिर आपको दिखाएंगे शाम को बीच। दिन में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि धूप बहुत आती है और वहाँ पे अभी गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अभी आपको टेम्परेचर बताऊँ, टेम्परेचर हो रहा है 34 डिग्री सेल्सियस। तो भाई ऐसे कुछ है यहाँ पे, देखो रास्ते देख लो भाई आप, यहाँ के घर वगैरह कितने बढ़िया हैं। आ गए हैं हम हाउस ऑफ म्यूजियम अपना इस यहाँ पे। और भाई देख लो ऐसा कुछ है, बाहर से बढ़िया बना हुआ है भाई ये बहुत। म्यूजियम की एक ही बिल्डिंग है, सीढ़ियों से जिसकी एंट्री है और ऊपर 3 फ्लोर है म्यूजियम की। म्यूजियम आर्किटेक्चर से रिलेट करता है, तो तीनों फ्लोर पे अलग अलग चीजें हैं, कुछ मॉडल्स हैं, तस्वीरें हैं दीवारों पर कि पुर्तगीज गोवा में आने से पहले गोवा में घर बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता था, कैसे इस्तेमाल होता था, वो सारे डिटेल्स हैं। और इन्हीं के बाद इसी बिल्डिंग के सामने वाली खिड़की जो दिख रही है म्यूजियम कैफे है, कैफे में आपको कौन यूज कर सकते हैं, सोवेनियर शॉप है जहाँ जाने के लिए कोई एंट्री फी नहीं है, सिर्फ कुछ खरीदने हैं वहाँ से तो इसका पेमेंट करते समय आप कूपन यूज कर सकते हैं। तो या तो वहाँ या कैफे में जहाँ पे आप कूपन यूज करेंगे वहाँ आपके टोटल बिल पे आपको 200 रुपये का ऑफ मिल जाएगा 4 कूपन। और अब चारों में से किसी के पास मोबाइल छोड़ के दूसरा कोई कैमरा है, सिर्फ मोबाइल पक्की बात है, तो फिर आपको अपनी बॉडी और हैंडसम आंखों के बारे में क्या कहना है, म्यूजियम के बारे में, आंखों के बारे में नहीं, बॉडी और हैंडसम आंखों के बारे में, क्योंकि आपने बोला कैमरा नहीं है तो नेचुरल कैमरा। भैया ने आपको बताया है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ना आर्किटेक्चर्स होते हैं गोवा के पुराने वाले, जैसे बहुत पुराने पुराने होते हैं,
डीप में तो आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं ऊपर दिखाऊंगा आपको सीधा, बाकी भैया ने जो बताया वो मैं दिखा दूंगा आपको। और भाई यहाँ से एक बार देख लो, बहुत बढ़िया है यहाँ पे, ये म्यूजियम है। सबसे पहले शूज उतारने पड़ेंगे भाई, चलो ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। यहाँ पे सब बता रखा है, इसकी शेप कुछ शिप की तरह है, जैसे मैंने आपको यहाँ से दिखाया था बाहर की साइड से, उधर से भी दिखाया था, पहले घर वगैरह ऐसे होता था भाई यहाँ पे इस टाइप का है कुछ, ये सब क्या होता था। बाकी आपको पढ़ना होगा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना भाई इन सब के बारे में। गए ऐसे कूपन है ये, जैसे कि भैया ने आपको बताया ही था सबका डिटेल्स, तो जाके देखना, बाकी आपने देखा भैया बढ़िया था। आपको पसंद आया, अब पत्थर पे एक वाइट तस्वीर है जिस पे आप देख सकते हैं कैसे यूज करते थे वो। अगर आप यहाँ आएंगे प्लीज, तो ऐसा ही दूसरा पत्थर आपको कैफे के बाहर दिखेगा, खिड़की के बाहर। अच्छा, और तीसरा सिर्फ इन तीन पर पूरा म्यूजियम खड़ा। तो भाई जैसे आपको दिखाया कि ये पत्थर जो है, ऐसे तीन पत्थर लगे हुए हैं इस म्यूजियम में, उस पर पूरा म्यूजियम स्टैंड है ये, मतलब एक सीढ़ियों में है यहाँ पे जो इस पूरे को स्टैंड करता है, एक ये रहा जो यहाँ पे, और एक बैक साइड में है जो आपको मैं दिखा दूंगा अभी। ओके भैया, अच्छा था म्यूजियम, मजा आया। कैफे में, और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि क्या चल रहा है। तो सोचा हमने कि कैफे में जाके भाई थोड़ा मजे काट ले। देखो भाई, मैंने जो पत्थर बताया था वो एक पत्थर ये रहा, देखो यहाँ पे कैफे ये रहा। तो यही चीज है भाई कैफे जो मैंने आपको बताया कि ऐसे होता है, इस साइड कैफे है, बैक साइड और उस साइड भी है वो, और इस साइड से अपनी मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम अंदर जाएंगे। और आपको मैंने तीन पत्थर भी दिखा दिए, एक तो सीढ़ियाँ हैं जिसपे सीढ़ियों पर पूरा बीच में स्टैंड है ये, और बाकी एक ये है चक्की पीसने वाला, और एक इस साइड है जो तीन भैया ने बताया आपको। बाकी भाई भैया को समझ नहीं आया हो तो बताना मुझे, मैं आपको बता दूंगा कमेंट्स में एक बार अच्छे से। फोटो शूट हो रहा है इनका, ज़्यादातर लोग यहाँ फोटो वगैरह खिंचवाने आते हैं, और आपको दिखाते हैं चल के, और चलते हैं यहाँ से कहीं और चलते हैं फिर दिखाते हैं। तो गाइस आ गए हैं होटल में, धूप बहुत हो रही है यहाँ पे, होटल में आ गए हैं भाई, ये होटल है। बाकी पूल खेलने की है, पूल वगैरह खेलने की और बैठने की। तो गाइस आ गए हैं अंदर, और अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई रूम कैसा है। पहली बात तो यहाँ पे अपना ये मिल जाएगा, देखो भाई एक बार ये देख लो, ये भी बढ़िया है, इसका टायर भी घूम रहा है। एक आपको इससे तो पहले बार रूम में दिखाया होगा हमने, इसमें टायर वायर नहीं था और ऐसे बंधा हुआ था वो, इसमें ये है स्टैंड है टायर्स वगैरह, वो तो टूट रहा था। और इस साइड देखो तो भाई यहाँ पे गेम एरिया जो आपने भी देखा होगा ब्लॉग में। तो भाई तब जा रहे हैं बाहर बीच पे, अभी बटन दबाना भूल गए, दबाइए एक ही जगह खड़े हुए तो काफी देर में।
गाइस आ गए हैं बाहर की साइड और अब चल रहे हैं अपना बीच पे। तो भाई पहुंच चुके हैं बीच के पास, ऑलमोस्ट आने वाला बस बीच, और फिर आपको दिखाते हैं। भाई अंधेरा हो चुका है वैसे तो बाकी देखते हैं यार, होगा तो ठीक है, वरना आपको फिर कल वाले ब्लॉग में दिखाएंगे पूरा, और कल फिर हो सकता है कहीं और भी चले।